हाय, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक बनाना ब्रेड, बनाना मफिन्स एज वेल। ये हमने बनाना लिए हैं जो पूरे सड़ जाते हैं, घर में यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं। बनाना और शुगर मैंने डाला है। शुगर मैंने पतले वाला बारीक शुगर लिया है, और अगर आपके पास ये शुगर नहीं है तो आप मोटे वाला शुगर ले सकते हो और उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। बनाना लिया है, शुगर लिया है और एग डाले हैं मैंने इसमें। अगर आपको एगलेस रेसिपी चाहिए, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मैं मोलासिस डाल रहा हूँ। अगर आपके मोलासिस नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, बनाना खुद ही अपना कलर दे देता है। मैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट मेरे को आए हैं कि आप हिंदी में भी बताया करिए, तो इसलिए मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। ये मोलासिस शुगर कैरेमल का बनाया गया है, जो पूरे शुगर को जला देते हैं। अभी मैं इसमें सिनेमन पाउडर डाल रहा हूँ। आप इसमें सिनेमन पाउडर, नटमैग पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर सब इसमें मिक्स कर सकते हो, और आप इसमें वॉलनट भी मिला सकते हो। ये सारा का सारा मैंने एक साथ सामान लिया था जो मैंने मिला दिया। मेरे पास ये मशीन है, तो ये मशीन बड़ी अच्छी मशीन है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो नीचे और ऊपर जाता है, सेकंड स्टेप है वो स्पीड बताता है, और जिसके ऊपर रैबिट बना है वो फास्ट करता है। अभी मैंने एक नंबर स्पीड ली है। अभी मैं इसमें फ्लावर डाल रहा हूँ, रिफाइंड फ्लावर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वो अपना मीठा वाला सोडा होता है वो, और इसको अभी मैं मिक्स कर दूंगा सबको एक साथ। ये ब्रेड बनाना बड़ा आसान है। आपको मैं रेसिपी दूंगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सबको एक साथ भी मिला दोगे तो वो रेसिपी अच्छा आएगा। सिर्फ ऑयल लास्ट में डालना। अभी इसको मेरे को मिक्स करना है। ये मशीन एक सेफ्टी मशीन है। अगर आप इसका बाउल अच्छे से नहीं लगाओगे तो ये मशीन नहीं चलेगा। अगर इसका आपका कुछ भी इक्विपमेंट कुछ नहीं फिक्स हुआ अच्छे से तो ये नहीं लगेगा, मशीन चलेगा ही नहीं। अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगा। अभी मैं इसमें चॉकलेट डाला। ये मैंने फ्रैपेचिनो चॉकलेट लिया है, आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। और ये पिस्ताचो पेस्ट लिया है। पिस्ताचो पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें वॉलनट, आलमंड फ्लेक्स कुछ भी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। ऑयल लिया मैंने यहाँ पे, सबसे लास्ट में मैं ऑयल डालूँगा इसमें। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। अभी मेरा ये बैटर रेडी है, और मेरे पास यहाँ पे मोल्ड है, मैंने ऑयल स्प्रे लगाया है इसके मोल्ड के ऊपर। अगर आपके पास ऑयल स्प्रे नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल। यहाँ मैं स्कूपर यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे मफिन बिल्कुल एक शेप में आए और एक ही हाइट में आए, कोई बड़ा और छोटा ना हो। और ये रेसिपी बड़ी इजी है, आसान है, आप इसको घर में बना सकते हो, और ये बहुत सॉफ्ट आती है। मैंने सबको मोल्ड्स में डाल दिया है, सारा बैटर मोल्ड में है। यहाँ मैंने बहुत बड़ी रेसिपी बनाई है, ये 1000 पीस ऑफ मफिन्स हैं और साथ में बनाना ब्रेड है। बनाना मफिन और बनाना ब्रेड एक ही है। मफिन्स को हम राउंड शेप दे देते हैं और बनाना ब्रेड को हम बड़ी ब्रेड की तरह बेक कर देते हैं। यहाँ मैं इसको बेक कर रहा हूँ। कितने सारे देखो शीट पैंस हैं। मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सारे दिन में बहुत सारा काम रहता है। ये आज पूरे दिन भर में मैंने 2000 पीस ऑफ मफिन्स बनाए हैं और ब्रेड्स बनाई हैं, काफ़ी कुछ बनाया है। हमारे पास पूरे दिन में बहुत काम रहते हैं।
नाउ इज बेकिंग टाइम। मैं इसको बेक कर रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए। पहले मैं इसको 15 मिनट बेक करूँगा, सो उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा मेरे को और कितना टाइम चाहिए। तो जैसे ही मेरा ये टाइमर पूरा हुआ, मेरे को लगे पूरे 18 मिनट्स इसको बेक करने के लिए। जब आप बेक करोगे आप थोड़ा ध्यान रखना कि कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सबके ओवन अलग अलग होते हैं। सी बनाना ब्रेड, बनाना मफिन, अभी आप इसका टेक्सचर देखो कितना सॉफ्ट है। ये जो मैं आपको रेसिपी दूंगा एगलेस, वो भी ऐसा ही होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी शेयर करूंगा और आपके लिए नए नए रेसिपी लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।